हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे। मैं अभी दवाई लेके आ रही हूँ। मेरी तबीयत नहीं सही चल रही है आजकल। कोई ख़ास बीमारी नहीं है, वही मौसम वाला बुखार है, सर्दी है थोड़ी बहुत, और जुकाम है। इसके वजह से मेरा गला रुंधा रुंधा सा है। बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बुखार छोड़ नहीं रही है। 4-5 दिन से लगातार आ रही है। दवा खाने के बाद मुझको मतलब इतनी ज़्यादा दवाई ज़्यादा डोज की दे रहे हैं सबके, बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं खुद जाके दिखा के दवा लेके आ रही हूँ। और अभी देखिए, गर्म पानी और ये दवा है, मैं उसको लूँगी। और हो सकता है, इस कहा है कि इसको खाने के बाद आप ठीक हो जाएंगी, नहीं होंगी तो फिर जांच, कुछ और जांच लिखा है जो उसको करवाना पड़ेगा, तो मैं उसको करवाऊंगी। फ़िलहाल अभी तो मैं 4 खुराक दवा लेके आई हूँ, मतलब आज की और कल की। तो कहा फ़ायदा होना होगा तो इतने में हो जाएगा, नहीं होना होगा तो फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो मैं दवा निकाल रही हूँ, एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी हूँ, एक हाथ से दवा निकाल रही हूँ। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर कोई बात नहीं। ये देखें, मैंने दवा निकाल ली है और मैं ये दवा खा रही हूँ। गर्म पानी है, क्योंकि गर्म पानी से खाने के लिए कहा है, तो मैं गर्म पानी से दवा खा ली हूँ। मैं ठीक हो जाऊँ तो अच्छा है, क्योंकि इस टाइम काम बढ़ा है। दीदी हमारी आई हैं जो कि वेस्ट बंगाल में रहती हैं, आई हैं तो वो भी इधर ही रहती हैं मेरे पास से। आज तो अपने घर गई हैं अपने परिवार वालों से मिलने, जाती रहती हैं। जब आती हैं तो उधर भी टाइम देती हैं, सबको टाइम देती हैं, ऐसे तो मुझे नहीं पर रहती, मेरे पास ही हैं ज़्यादातर। दीदी मुझको क्या लाई हैं आप लोगों को दिखाऊं? ये दीदी मेरी, ये देखें आप लोग, ये कॉटन की साड़ी है। मैं इसका पैटर्न मतलब आपको इसमें दिखा रही हूँ, इसमें इसका लुक देखें, साड़ी का लुक इसमें दिख रहा है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे लिए। क्या सावन है क्या बादो है, लेकिन दीदी कहें कि सावन है ना, इसलिए ग्रीन कलर पहनना अच्छा लगेगा। तो एक ये कॉटन की साड़ी है, मुझको बहुत ही अच्छी लगती है कॉटन की साड़ी। और एक ये लाई हैं, ये भी कॉटन ही है, ये मतलब दोनों दीदी के ही पसंद की साड़ी है। मुझे नहीं मतलब ज़्यादा वहाँ से बस पूछी थी कि किस कलर का, मैंने कलर भी नहीं बताया था मेरे कलर क्या है। इसका ये है लुक आ रहा है ऐसे, और प्रिंट ये है इसका, तो आपको दिखाया ही है। ये इस तरीके की है, ये बहुत छोटे छोटे प्रिंट में है, ये भी अच्छी लग रही है। इसका लुक ऐसा है, अच्छे से दिख नहीं पा रहा है आप लोगों को। और क्या लाई है, और दो नाइटी लाई है, नाइटी किधर है, नाइटी भी आप लोगों को दिखाई। नाइटी बहुत ही खूबसूरत नाइटी लाई है, मतलब ये तो बच्चों के लिए टी शर्ट वगैरह लाई है। तो ये बच्चों का है, उनका क्या दिखाऊं, पर मुझे जो लेके आई है मुझे उसको दिखाना है। ये कपड़े आज इतने फिर से धुले गए हैं, अभी उनको मैंने फोल्ड नहीं किया है, ऐसे ही रखे हैं। दवाई लेके आ रही हूँ, अब मैं फोल्ड करूँगी। ये है नाइटी जो कि दीदी लाई हैं, अच्छी लग रही है। ये देखिए, ये पर ये मुझको जानते हैं, इस जानती हैं आप लोग। ये देखिए इसमें ना, ये मुझको नहीं पसंद है, मुझको सेबलेस नहीं पसंद है इतना ज़्यादा, मतलब सेबलेस नहीं पसंद है इसे, वो नहीं दिया है शायद। अगर हाथ नहीं दिया होगा, इसकी आस्तीन नहीं दी होगी, तो मैं वो वापस कर दूँगी इसको। वो ले जाएंगी, वो पैंट डालेंगी, लेकिन इसमें है
इसमें ये देखिए, इसमें है ये देखिए, इसमें है ऐसे, उसको स्लीवलेस नहीं अच्छा लगता ना, एकदम से स्लीवलेस लेके चली आई हैं। तो फिर भी जो उनको समझ में आया वो लेके आई, अब मुझे क्या करना है ये मेरी समझ है। तो काम इस टाइम बढ़ा है, तबीयत नहीं ठीक है, दीदी का आना और ये सब सामान लेके जो जिसके पास है वो लेके पहुंची, मुझको दी। अच्छा लगा, मेरे से भी जितना होता है मैं नहीं कुछ दे ले पाती हूँ, लेकिन अपने शरीर से खड़ी रहती हूँ। तो अभी दीदी अपने घर गई हैं, ये देखिए बाहर पानी पड़ रहा है, छोटू पानी डाल रहा है, गर्मी ज़्यादा है। आप लोग देखिए छोटू पानी डाल रहा है, सफाई भी हो जा रही है इसी बहाने, और ठंडा हो जाएगा, धूल भी नहीं उड़ती है, नहीं तो पानी नहीं पड़ता तो धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ती है। देखिए मेरे न्यू मोटर आई, मैंने बताया ही था कल के वीडियो में आप लोगों को कि न्यू मोटर आ गई है, और बहुत ही दिक्कत हुई 4-5 दिन 6 दिन समझिए कि बहुत ही दिक्कत हुई। इसके पहले मेरी छोटी वाली मोटर थी, अब की बार बड़ी वाली मोटर आई है, ये देखो। यही सब आज का वीडियो है, मैं वीडियो बहुत बड़ी हो रही है इसलिए मैं वीडियो को बंद करती हूँ। बर्तन वगैरह मेरे साफ़ हो चुके हैं, कपड़े बस फोल्ड करने हैं। तो आज मेरा भतीजा भी कह रहा घर जाने के लिए, इलाहाबाद जाएगा, तो देखिए क्या क्या होता है, कल के वीडियो में बताते हैं आप लोगों से। तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो आप लोग वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो देखना ही ज़रूरी है, ना कि सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कर लिए हैं पर आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, मन से कोई बात नहीं, आप लोगों को नहीं अच्छी लग रही है मत देखिए, लेकिन अच्छी लगे तो देखिए और इसको शेयर भी करिए। मेरे एकदम सब्सक्राइबर डाउन हो चुके हैं, कोई 2-4 लोग तो हैं कि मुझको परेशान करने के लिए सब्सक्राइब करते हैं फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं, किसके दिमाग में मतलब वो हो टेंशन कि घट रहे हैं। मुझको टेंशन नहीं होता है, मैं इसमें कोई पैसे थोड़ी लगाई हूँ, लेकिन जब अपने को मतलब अच्छा लगता है कि जब बढ़ते हैं 1-2 लोग, चाहे अच्छे कमेंट आते हैं, तो हिम्मत थोड़ी बढ़ती है, और कोई बात नहीं। तो मैं वीडियो बंद करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। मिलते हैं कल के वीडियो में आप लोगों से।